हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में देखेंगे मोनोक्रोमेटिक एबरेशन एंड रिमूवल। तो मोनोक्रोमेटिक एबरेशन क्या होते हैं वो पहले मैं बता देती हूँ। तो मोनोक्रोमेटिक एबरेशन होते हैं जिसमें हम कोई एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं इमेज को फाइंड करने के लिए। तो ये एबरेशन क्या होता है, इमेज को जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाले दोष को ही हम क्या बोलते हैं, एबरेशन बोलते हैं। तो यहाँ हमने मोनोक्रोमेटिक एबरेशन के 5 टाइप्स हैं जिनका इंट्रो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। स्फेरिकल एबरेशन, कॉमा, एस्टिमेटिज्म, कर्वेचर एंड डिस्टॉर्शन। तो जिसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है स्फेरिकल एबरेशन। तो अब हम देखते हैं स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है। स्फेरिकल एबरेशन हम लेंस में देखते हैं इस प्रकार का एबरेशन, जो कि क्या होता है, पेरेक्सियल और मार्जिनल रेस के कारण आता है। ये पेरेक्सियल और मार्जिनल रेस क्या होती हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से आने वाली रेज कौन सी होती है, मार्जिनल रेज होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पास से आने वाली रेज कौन सी होती है, पेरेक्सियल रेज होती है। तो ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय लेंस, ये क्या होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती तो है लेकिन दोनों ही रेज क्या होती है, अलग अलग पॉइंट में मिलती हैं। तो जिसके कारण हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का, हमें पॉइंट इमेज नहीं मिल पाती, और जिसके कारण इमेज में हमें क्या देखने को मिलता है, एबरेशन देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, द पैरेक्सियल रेज कम टू द फोकस एट आईपी। पैरेक्सियल रेज फोकस पे के जे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलेगी, तो जिस पॉइंट पे फोकस होगी तो उस पॉइंट पे ही इमेज फॉर्म होगी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आईपी। पेरेक्सियल रेज से इमेज फॉर्म हो रही है तो उसके हम क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे। व्हाइल द मार्जिनल रेज कम टू अ फोकस एट आईएम, और मार्जिनल रेज के थ्रू जो जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, आईएम बोलेंगे। विच इज़ नियरर द लेंस, आई एम क्या होती है, मार्जिनल रेज जो होती हैं जिसके कारण इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेंस के पास इमेज बनती है, मार्जिनल रेज की इमेज। और पेरेक्सियल रेज की इमेज जो होती है लेंस से दूर बनती है। द इंटरमीडिएट रेज आर फोकस बिटवीन आई पी एंड आई एम। अब हम देखेंगे जो इनके बीच भी बहुत सारी रेज होती है, पेरेक्सियल और मार्जिनल रेज के बीच, तो ये आई पी और आई एम के बीच में क्या करती हैं, इमेज बनाती जाती हैं। इनकी इमेज किसके बीच बनती है, आई पी और आई एम के बीच। देयर फोर अ पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑब्टेंड। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमें किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं। अब इस स्फेरिकल एबरेशन में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, जब हम क्या करते हैं, हमें आई पी और आई एम दो अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, यदि हम आई पी और आई एम के बीच यदि हम कोई एक स्क्रीन इंसर्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्क्रीन इंसर्ट करने पर हम जो देखते हैं इमेज किस फॉर्म में दिखाई देने लगती है, हमें सर्कुलर डिस्क के रूप में दिखाई देने लगती है। तो उस सर्कुलर डिस्क को या वहाँ पर एक सर्कल फॉर्म होता है, उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न बोलते हैं। तो मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ कि इसके किस प्रकार से हमें स्फेरिकल एब्रेशन मिलता है। पहले हम ये वाली इमेज देखेंगे, इसमें क्या शो हो रहा है, ये कैसी इमेज है, ये एब्रेशन लेस इमेज है। देखिए इसमें जो पेरेक्सियल और मार्जिनल रेज लेंस से आ रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही है, और हमें क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पर ही क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो इस पॉइंट पे ही क्या मिलेगी, हमें इमेज में मिलेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज, हमें इस पॉइंट पे मिल जाएगी, एक ही पॉइंट पे क्या होगी, सारी रेज फोकस हो जाएंगी। ये तो ये कौन सी इमेज थी, परफेक्ट लेंस विद नो स्फेरिकल एब्रेशन, ये नो स्फेरिकल एब्रेशन इमेज है। अब हम स्फेरिकल एब्रेशन इमेज देखेंगे।
अब हम ये वाली इमेज देखते हैं जिसमें एबरेशन शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज देखनी है, तो ये वाली रेज जो है ये कौन सी है, मार्जिनल रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सेस से दूर है, और पैरेक्सियल रेज कौन सी है जो प्रिंसिपल एक्सेस के पास है। तो ये दोनों ही देखिए किस पॉइंट से, ये लेंस से होकर जा रही, आफ्टर रिफ्रैक्शन हम देख रहे हैं जो ये जो मार्जिनल रेज है वो क्या हो रही है, लेंस के पास में क्या कर रही है, इमेज फॉर्म कर रही है। इस पॉइंट को हम क्या बोल, क्या नाम दिया हमने, आई एम नाम दिया है। तो ये किसके थ्रू बन रही है, ये मार्जिनल रेज के थ्रू बन रही है। अब हम पैरेक्सियल रेज के थ्रू देखते हैं, तो पैरेक्सियल रेज के थ्रू कहाँ पर इमेज बन रही है, तो ये पैरेक्सियल रेज हैं, तो इसके थ्रू इमेज कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये कैसे, लेंस के दूर, लेंस से दूर हमें इमेज मिल रही है ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेक्सियल रेज के थ्रू बन रही है, तो इसको हमने आईपी नाम से शो किया। अब हमने सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न की बात की थी, तो ये हम ये देखिए, ये दो आईपीएम, आईएम और आईपी के बीच में हमें क्या होगी, यदि हम एक स्क्रीन रख दें, तो स्क्रीन रखने से क्या होगा, जो इमेज होगी वो हमें कैसे मिलेगी, सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में मिलेगी। कैसे, इस टाइप से हमें सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में मिलेगी। इसलिए ये देखिए, ये सर्कल शो हो रहा है, ये सर्कल ही क्या है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये सर्कल ही क्या है, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन है, जो कि सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में हमें मिल रही है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कोई पॉइंट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज इंसिडेंट्स हो रही है लेंस पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें क्या मिल रहा है, दोनों रेज अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रही हैं, जिसको हमने आई एम और आईपी नाम दिया है, और इनके बीच में हमें यदि हम स्क्रीन रखते हैं, तो स्क्रीन पर हमें क्या मिलती है, एक सर्कुलर डिस्क मिलती है, सर्कल फॉर्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज है वो कैसी आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है, कौन सी, पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज। तो ये भी क्या हो रही है, ये भी दो अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रही है, फोकस हो रही है। ये देखिए, एक यहाँ पे मार्जिनल रेज पहले लेंस के पहले फोकस होगी, और पैरेक्सियल रेज थी जो वो बाद में फोकस हो गई। तो इनके बीच क्या बन रहा है, ये है सर्कल ऑफ लीस्ट एक्शन बन रहा है। ये जो मार्जिनल रेज थी इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल रेज बोल रहे हैं, है ये पैरेक्सियल, ये मार्जिनल रेज को, और पैरेक्सियल रेज ये हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास से होकर निकलती हैं। ये सिंपल लेंस लिया है हमने। अब ये देखिए, जो इसमें ये आई एम और आई पी की जो बीच की डिस्टेंस है, उसको हमने कैसे, कौन सा स्फेरिकल एब्रेशन शो हो रहा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमें एब्रेशन शो हो रहा है वो, उसे हम क्या नाम बोल रहे हैं, ट्रांसफर स्फेरिकल एब्रेशन। तो हमने इसमें लॉन्गिट्यूडनल और स्फेरिकल, लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन और ट्रांसफर्स स्फेरिकल एब्रेशन दोनों ही देख लिया। अब हम रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन देख लेते हैं, गोली विपथन को दूर करने के उपाय देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, बाय रिड्यूसिंग द अपर्चर ऑफ लेंस विद द यूज़ ऑफ स्टॉप एट द पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि रिड्यूसिंग द अपर्चर, हम अपर्चर को रिड्यूस कर दें। यदि हम ये लेंस ले रहे हैं तो हमें पता है कि इस लेंस में से पैरेक्सियल और मार्जिनल सभी प्रकार के लेंस क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होंगी, है ना। तो ये क्योंकि ये जो अपर्चर है इसे क्या होता है, ये बड़ा है, और इसके सभी पार्ट से क्या होंगे, रेज पास होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टॉप लगा देंगे। हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे एक स्टॉप लगा दें तो यहाँ से क्या होगी, केवल मार्जिनल रेज ही क्या होंगी, पास होंगी, और हमें क्या हो जाएगा, एक पॉइंट में क्या मिल जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक स्टॉप लगा दें, जिसके कारण यह स्फेरिकल एब्रेशन हमें ना मिले,
है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लेंस। बेंडिंग ऑफ लेंस हम देख लेते हैं कि हम लेंस को बेंड करके, थोड़ा सा बेंड करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एबरेशन को दूर कर सकते। तो हमें लेंस को इस प्रकार से बेंड करना है कि इसके शेप में चेंज हो, पर इसकी पावर, जो लेंस की पावर होती है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना हो। तो इस प्रकार से हम स्फेरिकल एब्रेशन को बाय बेंडिंग ऑफ लेंस भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं, बाय यूजिंग ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल एबरेशन को दूर कर सकते हैं। अब फोर्थ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस इन कॉन्टेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन करके भी हम स्फेरिकल एब्रेशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस का यदि स्फेरिकल एब्रेशन देखें तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस से हमें पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेशन मिलता है, और कॉनकेव लेंस में हम स्फेरिकल एब्रेशन देखें तो नेगेटिव स्फेरिकल एब्रेशन मिलता है। यदि हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो हमें जो कॉम्बिनेशन के बाद जो हमें लेंस मिलेगा तो वो कैसा होगा, मतलब उससे क्या होगा, स्फेरिकल एब्रेशन होने की संभावना जो होगी बहुत ही कम होगी, मतलब कि स्फेरिकल एब्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करके। अब फिफ्थ पॉइंट है, बाय यूजिंग द अप्लेनेटिक पॉइंट। अप्लेनेटिक पॉइंट हमें पता है दो कॉन्जुगेट पॉइंट होते हैं, एक पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, दूसरे पे इमेज फॉर्म होती है। तो हमें ऐसे कॉन्जुगेट पॉइंट यूज़ करना है जिसमें इमेज क्या हो, मतलब रेज पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो इमेज पास हो वो आफ्टर रिफ्रेक्शन हमें एक ही पॉइंट पर या फोकस होकर मिले, या एक ही पॉइंट पर क्या मिले, हमें पॉइंट इमेज मिले, उसमें किसी भी प्रकार का ब्लर ना हो, इमेज कैसी हो ना हो, ब्लर इमेज ना मिले। अब हम सिक्स पॉइंट देखते हैं, बाय कीपिंग द टू कॉन्वेक्स लेंस एट अ सेपरेशन बाय डी इक्वल्स टू एफ वन माइनस एफ टू। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे इस टाइप से, दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है हमको, डी रखनी है, और इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इस पॉइंट पे, यदि ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगी, इस प्रकार से क्या होगी, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। यदि हम क्या देखें, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या होगी, इसमें से पास होगी, फिर यहाँ से ऐसे पास होगी, और इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है, डी रखनी है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो इस प्रकार से भी हम स्फेरिकल एब्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, स्फेरिकल एब्रेशन, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन का फर्स्ट स्टेप स्फेरिकल एब्रेशन एंड रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस ना की हो तो बेल आइकन प्रेस करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।